अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया मेकअप। सबसे पहले हम आईब्रो की शेप बनाएंगे ब्राउन शेड से। ब्रश की मदद से अच्छे से मर्ज कर लेंगे। बेस से आईब्रो की क्रीज बनाएंगे ताकि लुक अच्छा आ जाए। और इसी तरह हम दूसरी आईज पर भी ऐसे क्रीज बना लेंगे बेस के साथ ब्रश की मदद से। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आईज पर बहुत ही अच्छे तरीके से। अब पर ये शेड की हम आईज पर शेड अप्लाई करेंगे। ब्राउन कलर है ये लाइट, आप कोई भी लाइट कलर लगा सकते हैं पहले, और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है हमें ब्रश की मदद से। इसी तरह हम दूसरी आईज पर भी ऐसे ब्राउन से शेड
शेड लगाएंगे। अब हम लगा रहे हैं शिमर। इसी तरह हम दूसरी आइज पर भी शिमर अप्लाई कर देंगे, फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लगा रहे हैं ब्लैक कलर और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप कोई भी कलर या शेड लगाते हो ना, तो उसके लिए हमें इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम दूसरी आईज पर भी ब्लैक शेड अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड भी कर देंगे।
चले जी, अब बारी है बेस की। हम फेस पर बेस अप्लाई करेंगे अच्छे से ब्रश की मदद से। पहले पूरे फेस पर हम लगा लेंगे। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि स्किन में अच्छे से जज्ब हो जाए। हल्का सा बस टिप टिप करके हम इसको ब्लेंड करेंगे। फेस पाउडर ताकि जो हमने ये बेस लगाया है वो अच्छे से कवर हो जाए।
लें जी, अब हम करेंगे कर रहे हैं कंटूरिंग। हमने कंटूरिंग कर ली है और हम इसे ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लश ऑन। Thank you.
बारी है लिपस्टिक की, तो हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रश की मदद से एक शेप बनाएंगे, क्रीज बनाएंगे और फिर हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे मैट। आप कोई भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए जी, हमने लिपस्टिक लगा ली है। अब आप देखिएगा फाइनल लुक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।